हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग का रूटीन। मैं रोज़ ही जो है 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के टिफ़िन देने होते हैं, हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं और मैं सुबह सुबह जो है वो लंच बना लेती हूँ। तो काफ़ी सारे काम जो है वो मेरे हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग ही। तो लगभग 7 से 8 बजे तक मेरे सभी काम हो जाते हैं और उसके बाद मुझे बहुत सारा वक्त मिल जाता है अपने YouTube के काम के लिए, खुद के लिए। तो इसलिए मैं जो हूँ सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने लिए गर्म पानी जो है वो बनाती हूँ। तो कैटल मैंने ऑन कर दी है और गर्म पानी पी लिया है। तो गर्म पानी पीकर मैं बाहर जाती हूँ मॉर्निंग में टहलने के लिए। तो मैं जहाँ रहती हूँ वो मैं शिरडी से बस 3 से 4 किलोमीटर दूर रहती हूँ। तो ये हमारे ही खेत है, तो हमने हमारे ही खेतों में घर बनाया हुआ है। तो जो ये बाहर का प्लेस आप देख रहे हैं, जो रास्ता कच्ची मिट्टी का रास्ता है वो हमारा ही है और जो खेत है वो भी हमारे हैं। तो इस तरह से हमें घूमने के लिए, यानी कि मॉर्निंग में हमें मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत सारी जगह है। तो हमारी ही जगह है, ये देखिए, ये पूरी कच्ची मिट्टी का जो रास्ता है वो हमारा ही है। तो इसी रास्ते पर मैं जो हूँ आधे घंटे के लिए अपनी मॉर्निंग वॉक करूँगी। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करती हूँ और आधे घंटे के लिए योगा या प्राणायाम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्राइडे के दिन जो है मेरा व्रत होता है, तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं नहा लेती हूँ और नहाने के बाद मैं इस तरह से अच्छे से झाड़ू जो है वो पूरे घर में लगा देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह जो है मैं पूजा करती हूँ, दहलीज पूजन भी करती हूँ शुक्रवार के दिन ही, फ्राइडे के दिन ही, और मेरा व्रत भी होता है। तो इस तरह से अगर हम व्रत के दिन दहलीज पूजन करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए मैं फ्राइडे के दिन जो है वो दहलीज पूजन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं नहा लूँगी, नहाने के बाद पूरे घर में मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। तो इससे जो है घर जो है बहुत ही अच्छा और प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी से तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद जो है मैं फ्राइडे के दिन जो है सुबह सुबह ही जो मैं छोटा सा हवन करती हूँ वो कर लेती हूँ। और फिर मेरी जो पूजा है, रोज़ की पूजा होने के बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ। तो बच्चों को भी मैं 6 बजे तक 6:15 बजे तक उठा देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह बच्चों को आधे से 1 घंटे के लिए होमवर्क के लिए भी बिठाती हूँ, थोड़ी सी रीडिंग करवाती हूँ। तो इससे जो है उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है, उन्हें वो रीडिंग कर पाते हैं और उनकी जो उन्हें होमवर्क करना होता है वो भी हो जाता है। तो इस तरह से मेरा जो है वो रूटीन होता है। तो मैं अभी मैंने बच्चों को उठा दिया है झाड़ू लगाने के बाद, और अब मैं जो दहलीज होती है हमारी वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर भगवान जी की पूजा कर लूँगी। तो अभी मैंने भगवान जी को नहलाया नहीं है, पर बस मैं दिया लगा देती हूँ और फिर मैं दहलीज पूजन कर लेती हूँ। तो उससे पहले मैं तुलसी मैया के पास जो है वो दिया लगा दूँगी, तो तुलसी मैया को जल चढ़ा देती हूँ, अगरबत्ती दिया लगा देती हूँ और फिर मैं दहलीज पूजन करती हूँ। तो दहलीज पूजन में मैं सिंपल दहलीज जो है अच्छे से क्लीन कर लेती और हल्दी कुमकुम अक्षत और चीनी जो होती है वो मिठास के लिए, यानी कि मीठा कुछ रखना चाहिए तो उसके लिए मैं थोड़ी सी चीनी रख देती हूँ और प्रणाम करती हूँ दोनों दरवाज़ों पर, मैं इसी तरह से करती हूँ। तो इससे जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है हमारे घर के लिए और बरकत रहती है हमारे घर में, इसीलिए हमें इस तरह से ये करना ही चाहिए। तो ये दहलीज पूजन हो जाने के बाद में जो है तुलसी मैया की पूजा कर लूँगी और उसके बाद में जो हवन करती हूँ वो हवन कर दूँगी। तो हवन करके मैं पूरे घर में वो हवन जो है वो एक बार अच्छे से फिरा देती हूँ, अच्छे से घुमा कर लाती हूँ, और दहलीज की भी मैं अच्छे से हवन से ही आरती कर लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव सा लगने लगता है इस तरह से हम सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं तो। और फ्राइडे के दिन ही मैं अपने बाल धोती हूँ क्योंकि मुझे व्रत होता है। तो इस तरह से मेरा ये रूटीन होता है फ्राइडे के दिन का। नहीं तो नॉर्मली जो है वो मैं सबसे पहले उठने के बाद बच्चों का जो है ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ और फिर अपने चाय वगैरह करके फिर नहा कर मैं जो है भगवान जी की पूजा करती हूँ। तो फ्राइडे के दिन व्रत होने
के कारण मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ और घर में बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिविटी से तैयार हो जाती है, इसीलिए मैं ये जल्दी से कर लेती हूँ। तो ये देखिए अभी भी अंधेरा ही है और बाहर अंधेरा ही है और मैंने दिया लगा दिया है और सभी लोग सोए हुए हैं, तभी मैं उठ जाती हूँ। अब मैं अपने मॉर्निंग के जो भी काम है वो करने लगूँगी। सबसे पहले मैं व्रत के दिन चाय पीती हूँ, तो लगभग एक घंटा हो चुका है, मेरा मॉर्निंग वॉक भी हो चुका है, मेडिटेशन भी हो चुका है और गर्म पानी पीकर भी मुझे काफ़ी वक्त हो चुका है। तो मैं अब अपने लिए चाय बनाऊँगी, अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और साथ ही साथ में मुझे फ्रिज में से जो सब्जी बनानी है वो निकाल लूँगी, जो भी वेजिटेबल्स निकालने हैं वो निकाल लूँगी और वेजिटेबल्स भी मैं साथ ही साथ कट करते जाऊँगी। तो शुक्रवार के दिन जो है वो मैं बिना प्याज और लहसुन की सब्जियाँ जो है वो बनाती हूँ। हम प्याज या लहसुन की सब्जी नहीं खाते हैं, मेरा व्रत होता है उसी वजह से। तो मैंने जो है वो आलू निकाले हैं और चीकू निकाले हैं, तो मैं चीकू का मिल्कशेक बनाऊंगी जो कि मेरे लिए भी हो जाएगा मॉर्निंग ड्रिंक के ड्रिंक और बच्चों के लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन है। तो इस तरह से मैंने सभी वेजिटेबल्स जो है वो बाहर निकाल लिए हैं और बच्चों के लिए पोहा बनाने वाली हूँ तो वो भी बाहर निकाल लिए है, छन्नी भी बाहर निकाल ली है और साथ ही साथ में चाय भी बना रही हूँ, तो चाय मैंने रख दी है। और अब मैं चाय जो है वो मैं अदरक वाली बनाती हूँ, तो अदरक और ग्रीन हर्ब्स जो होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं और अच्छे से चाय उबलने दूंगी और उसके बाद मैं चाय में दूध डालूंगी। तो दूध अभी फ्रिज में का ही ठंडा ही है क्योंकि मुझे चीकू मिल्कशेक बनाना है तो ठंडा दूध चाहिए होगा, तो इसीलिए मैं दूध जो है वो गर्म नहीं करूँगी, इसी तरह से ठंडा दूध ही चाय में ऐड करूँगी। तो एक तरफ चाय जो है वो उबल रही है और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर जो मलाई आती है चाय दूध के ऊपर वो मलाई जो है इस वाले कंटेनर में निकालूंगी। तो इस तरह से मेरी ये भी एक आदत है कि मैं मलाई जो है इस तरह से कलेक्ट करती रहती हूँ और ये इसकी मैं मलाई की जो है वो घी बनाती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया ऐसा हमारा घी बनकर रेडी होता है इस तरह से, अगर हम घर पर मलाई इकट्ठा करते हैं तो। और ये मलाई मैं इकट्ठा करके फ्रीज़र में रखती हूँ, उससे ये बहुत ही फ्रेश और अच्छी रहती है, इसमें बिल्कुल भी वो गंदी वाली बदबू नहीं आती है। और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, चाय में दूध भी डाल दिया है और मलाई का जो डिब्बा मैंने निकाला था वो भी मैंने अपनी जगह पर रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर चीकू जो है इन्हें छील कर रेडी कर लूँगी, इसी के साथ मैं पोहा बनाने वाली हूँ बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, तो पोहा भी मैंने अच्छे से छान लिया है। और ये पोहा जो है हमें 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से पानी से धोकर भिगोने के लिए रख देना है, तो इससे ये बहुत ही अच्छे से खिला खिला सा हमारा ये पोहा बनकर रेडी हो जाता है। तो पोहा भिगोने के लिए रख दिया है, चीकू मैंने छील लिया है, साफ़ कर लिया अच्छे से, और तुरई की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ तो तुरई भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। और जो पोहा मैं बनाने वाली हूँ वो आलू से बनाने वाली हूँ, उसमें मैं प्याज नहीं डालने वाली हूँ, तो आलू भी कट कर लिए हैं और सब्जी की जो भी तैयारियाँ होती है वो कर ली है, पोहा के लिए जो भी वेजिटेबल्स चाहिए वो भी कट कर लिए हैं। और तब तक मेरी चाय जो है वो अच्छे से पक गई थी, तो ये चाय जो है वो मैं छान लूँगी और फिर हम सबसे पहले चाय पिएगी और उसके बाद ही मैं जल्दी से लंच की तैयारियाँ करूँगी। तो मैं यहाँ पर लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं सब्जी के लिए जो मसाला चाहिए वो बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप भुनी हुई मूंगफली ली है, ये मूंगफली हमें हल्के से लाइट ब्राउन कलर पर भून लेनी है और उसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, और ज़ीरा भी हमें ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा उसमें कलर आना चाहिए। और फिर हम इसमें जो करी लीव्स होते हैं वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल 2 टेबल स्पून सूखा नारियल लिया है, ये भी हमें अच्छे से लाइट ब्राउन कलर पर ही भून लेना है। और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक मैंने इसमें डाल दिया है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं शुक्रवार के दिन जो हूँ वो बिना प्याज और लहसुन की सब्जी बनाती हूँ, तो वही सब्जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ और ये सब्जी जो है वो बहुत ही बढ़िया होती है इस तरह से अगर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाला भून लिया है और ये निकाल लिया है। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर चीकू मिल्कशेक बना रही हूँ, तो चीकू मिल्कशेक जो है वो मैं भी लेने वाली हूँ। तो व्रत में जब मैं चीकू मिल्कशेक बनाती हूँ तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती हूँ, बस मैंने इसमें चीकू ऐड कर दिए है, ब्राउन शुगर 2 टेबल स्पून ऐड कर दिए है और इलायची ऐड कर दिए, और इसे बस हमें दूध डालने से पहले अच्छे से बारीक ऐसा पीस लेना है और फिर ऊपर से मैं दूध ऐड कर दूँगी, ठंडा वाला दूध मैंने रखा हुआ था। तो दूध डालकर हमें इसे अच्छे से फिर से
चला देना है। और ये यहाँ पर हमारा चीकू मिल्कशेक बनकर रेडी हो चुका है। अब ये भी मैं साइड में रख दूंगी और मसाला जो मैंने निकाला हुआ था, हमने भून लिया था, वो अब ठंडा हो चुका है। तो ये मसाला जो है इसे भी हमें अच्छे से पीस लेना है, बारीक ऐसा हमें महीन ये मसाला पीसना है। तो ये ठंडा हो चुका था तब ये मैंने मिक्सी के जार में ऐड कर दिया है और बिना पानी डाले ही हम ये मसाला जो है वो पहले अच्छे से बारीक करने वाले हैं। तो इसी में मैंने 2 टेबलस्पून जो सफ़ेद तिल होते हैं वो भी ऐड कर दिए हैं और इसे पीस लिया है और फिर पानी डालकर मैंने इस तरह से इसकी महीन ऐसी पेस्ट बना ली है। ये पेस्ट भी हम साइड में रख देंगे और अब हम जो कढ़ाई में मैंने मसाला भूना था उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। तो मैं ऑयल अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम हमें कम रखनी है। उसमें मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और बिल्कुल 1/2 चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर गरम मसाला यूज़ किया है। और ये मसाले हमें अच्छे से 1/2 मिनट के लिए भून लेने हैं और इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी और ये अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें जो तुरई कट करके रखी हुई थी वो ऐड कर दूँगी। ये तुरई भी हमें अच्छे से 1 मिनट तक मसालों में भूनने देनी है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और ये जो तो रही है हमें अच्छे से एक सी कर लेनी है, अच्छे से फिर से हमें भून लेनी है 2 मिनट के लिए। और इसमें हम अब गर्म पानी ऐड करेंगे। तो गर्म पानी ऐड करने से सब्ज़ी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है और सब्ज़ी में बहुत ही अच्छे से टेस्ट आती है। तो ये अच्छे से मैंने ये सब्ज़ी एक सी कर ली है और ढक्कन डालकर हम ये 5 से 7 मिनट के लिए सब्ज़ी जो है इसी तरह से पकने देंगे। तो ये कढ़ाई जो है वो मैं दूसरे गैस पर शिफ्ट कर दूंगी और इस वाले गैस पर मैं अब पोहा बनाने वाली हूँ। तो सब्ज़ी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। दूसरी तरफ मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रखा हुआ है जो कि थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो मैं गर्म करके रखूँगी। और इस वाले गैस पर मैं अब कढ़ाई चढ़ा दूँगी, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और पोहा जो हमारा हमने भिगो कर रख दिया था वो भी भीग चुका है। तो वो अच्छे से मैं हमें हाथों से एक सा कर लेना है। फिर इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड की है और 1 चम्मच लगभग मैंने जो चीनी होती है वो ऐड की है और हरा धनिया ऐड करके हमें इसे अच्छे से एक सा कर लेना है। और फिर मैं अब पोहा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है, लगभग 2 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली ली है। इसे हमें अच्छे से भूनना है, बस हमें जलाना नहीं है। इसके तुरंत बाद मैं इसमें करी लीव्स ऐड कर दूंगी और करी लीव्स जो है वो अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च जो है वो ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च हमें हल्की सी भून लेनी है और फिर ये जो मूंगफली, करी लीव्स और हरी मिर्च है ये हमने जो पोहा अच्छे से एक सा करके रखा था उसमें निकाल लेंगे। तो इससे पोहा जो है बहुत ही अच्छा खिला सा बनता है। तो ये एक ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है, इस तरह से हमें पोहा बनाना है। अब हम इसमें जैसे कि हम प्याज नहीं ऐड करने वाले हैं तो बिना प्याज के ये पोहा बनाने वाले हैं, तो इसमें हम आलू डालने वाले हैं। तो मैंने उसी ऑयल में जो है जो राई होती है वो ऐड कर दी है 1/2 चम्मच और राई अच्छे से फूलने के बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी और आलू हमें अच्छे से 1 मिनट तक भूनने हैं। और उसके बाद हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है और कम गैस करके हमें ये आलू जो है वो पकने देने हैं। तो हमने पहले भी नमक डाला हुआ है, तो बस हम ये आलू के लिए ही बस थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और ढक्कन डालकर इसे 2 मिनट तक ये आलू जो है वो पकने देंगे। दूसरी साइड जो सब्जी हमने पकने के लिए रखी थी वो भी पक चुकी है, तो वो हम देख लेंगे। उसमें ये सब्जी जो है वो अच्छे से पक चुकी है, तो इसमें मैं जो हमने मसाला बना लिया था वो ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी। तो मैं थोड़ी सी रस्से वाली ये सब्जी बनाने वाली हूँ, तो इसके साथ राइस रोटी ये मैं बनाने वाली हूँ। तो इससे ये सब्जी जो है वो बहुत ही टेस्टी लगती है इन राइस और रोटी के साथ। आप ज्वार की भाकरी भी खा सकते हैं, इसके साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो तब तक यहाँ पर जो आलू है वो भी पक चुके थे, तो आलू अच्छे से पकने के बाद ही हम पोहा जो है वो ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हमें एक सा कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर से ऑयल डाल सकते हैं, पर मैं ज़रा सा कम ऑयल ही डालती हूँ सब्जियों में, तो इस वजह से मैं कम ऑयल में ही ये बनाती हूँ। ये अच्छे से पोहा हमें एक सा कर लेना है और यहाँ पर हमारा पोहा जो है वो बनकर रेडी हो जाता है और तुरई की सब्जी भी हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनती है बिना प्याज और लहसुन की ये सब्जी जो है, इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और ये पोहा जो है ये भी बहुत ही बढ़िया बनता है हम बिगर प्याज के अगर बनाते हैं तो। बस हमें आलू इसमें थोड़े से ज़्यादा डालने हैं, जिस तरह से हम प्याज डालते हैं उसी तरह से हमें आलू डालने हैं।
और यहाँ पर मैंने बच्चों का जो है वो ब्रेकफास्ट बना लिया है। इनकी ब्रेकफास्ट की ये थाली मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ मैंने चीकू मिल्क शेक रखा है और एक तरफ ये पोहा। तो अब बच्चे जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों का होमवर्क भी चल रहा है, नहाकर आ चुके हैं, सभी अच्छे से रेडी हो चुके हैं। उनके कपड़े जो है वो एक दिन पहले ही मैं प्रेस करके रखती हूँ, तो जल्दी से काम सभी हो जाता है। तो ये यहाँ पर इनका ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पर ये शौर्य जो है इसने इसके फ्रेंड के लिए एक बर्थडे कार्ड बनाया है। तो उसने कहा था कि मम्मा आप आपके सब्सक्राइबर जो है उन्हें ये कार्ड दिखाओ, तो उसकी डिमांड पर ही ये कार्ड जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसी ने ये बनाया, उसे किसी ने भी मदद नहीं की है और ये उसकी बुक है। तो ये देखिए ये बस 8 साल का है और इसकी राइटिंग देखिए, और बहुत ही अच्छे से ये अपना होमवर्क भी करता है और बहुत ही डिसेंट ऐसा बच्चा है। और ये देखिए यहाँ पर उसने उसके फ्रेंड के लिए ये कार्ड भी बनाया है और क्रिसमस ट्री भी बनाया है। तो इस तरह से ये शौर्य ने बनाया है। और ये जो ड्राइंग बुक है ये मेरी छोटी बेटी अनुष्का की है, तो उसके टीचर ने उसे 2 स्केच बनाने के लिए कहे थे। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल उसने ये स्केच निकाला है, बहुत ही बढ़िया, वो ड्राइंग बहुत ही अच्छी करती है। तो ये देखिए ये दूसरी वाली उसके स्केच है और बहुत ही बढ़िया उसने ये स्केच किया है। तो इस तरह से ये मुझे आपको दिखाना था। तो ये मेरी छोटी बेटी जो है उसकी स्केच है, वो करती है इस तरह से स्केच। अब ये मैंने आपको दिखा दिया है, तो उनका जो है वो ब्रेकफास्ट हो रहा है। तब तक मैं यहाँ पर रोटियाँ भी बना लूँगी। तो सब्जी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, ये मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। और अब मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ, तो आटा मैं जो ग्राइंडर है उसमें लगाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो आटे का डिब्बा होता है वो निकाल लिया है, जो ग्राइंडर है वो रेडी कर रही हूँ। ग्राइंडर रेडी करने के बाद मैं इसमें आटा डाल दूँगी। तो 4 कप में भरकर मैं इसमें जो गेहूं का आटा है वो ऐड कर दूँगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। तो मैं आटे में जो है वो थोड़ा कम ही नमक ऐड करती हूँ, ज़्यादा नमक नहीं डालती हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक ऐड करूँगी जिससे कि जो रोटी है उसको अच्छी टेस्ट आएगी। तो नमक ऐड कर दिया है और बस मैं जो चीज़ें लेती हूँ वो अपने जगह पर रखती जाती हूँ। तो नमक की डिब्बा जो है वो मैंने जगह पर रख दिया है और अब मैं ग्राइंडर जो है वो लगा दूँगी। तो एक आधे मिनट के लिए हमें खाली इसी तरह से नमक और आटे के साथ ये ग्राइंडर चला देना है और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही भी कहा था कि मैंने इससे पहले भी ग्राइंडर जो है वो यूज़ किया है, तो उस वजह से मुझे एक अंदाज़ा आ चुका है कि ये किस तरह से आटा गूंथना है, कितना पानी डालना है इसमें। तो उसी हिसाब से मैं अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और बस 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये जो आटा है वो लग जाएगा। और इसी ये जो बर्तन है मिक्सी का, इसी में मैं ये आटा जो है 10 मिनट के लिए रेस्ट होने दूंगी और फिर रोटियां बना लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये आटा जो है वो बना लेना है और ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा हमें ऑयल डालना है जिससे कि इसमें अच्छे से चिकनाहट आ जाती है और ये एक डो बन जाता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया ऐसा आटा गूंथ कर रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं अब ये आटा इसमें रख दूँगी 10 मिनट के लिए और फिर ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसका डो लिया है और अब मैं रोटियां बना लूँगी। तो मैं बच्चों को टिफिन में जो है रोटी सब्जी देती हूँ क्योंकि उनके स्कूल में जो है वो कंपल्शन है कि उन्हें रोटी सब्जी देनी ही है। अगर किसी दिन हम पोहा वगैरह दे देते हैं तो उनके टीचर जो है वो डांटते हैं उन्हें, इसीलिए हमें सब्जी रोटी जो है वो उसका कंपल्शन है तो वो देनी ही होती है। तो सब्जी रोटी के साथ में उन्हें थोड़ा से जो स्नैक्स होती है वो भी देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों को बस 3 से 4 ही रोटियाँ बनाती हूँ उनके लिए, बस टिफ़िन की रोटियां जो है वो बना लेती हूँ। तो 3 रोटियां मैं यहाँ पर बना लूँगी और उनके टिफ़िन जो है वो पैक कर दूँगी और उसी के साथ हमें एक टिफ़िन जो है वो सब्जी रोटी का देना है, एक टिफ़िन जो है वो स्नैक का देना है और उसी के साथ मैं उनके लिए कभी कभी चॉकोस दे देती हूँ, केक दे देती हूँ और चॉकलेट भी दे देती हूँ। क्योंकि मैं मेरे बच्चों को कभी भी जैसे कि हम स्कूल में बच्चों को ड्रॉप करने जाते हैं और शॉप से कुछ लिया और उन्हें खाने के लिए दे दिया, ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ मैं। क्योंकि मैं हमेशा ये सभी चीज़ें जो है वो घर पर रखती हूँ, तो बच्चों की भी ये आदत नहीं रही है कि बाहर से कुछ लिया और खा लिया, ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। घर में सब कुछ चीज़ें होती है तो मैं टिफ़िन बैग में ही उन्हें दे देती हूँ तो वो अच्छे से खा लेते हैं। तो बस हम अगर सब्जी रोटी का टिफ़िन देते हैं तो फिर नहीं खाते हैं, तो उन्हें इसके साथ जो स्नैक वाला टिफ़िन होता है वो भी देना होता है। तो ये देखिए मैंने बच्चों के लिए जो टिफ़िन है वो पैक कर दिए है सब्जी रोटी के। अब मैं इनके लिए पानी जो है वो भरूँगी। तो मैं सर्दियों में बच्चों के
के लिए गर्म पानी ही देती हूँ उनको पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो गर्म पानी से जब तक वो पानी पीते हैं, गर्म पानी हम देते हैं तो ये पानी जो है थोड़ा सा सेटल हो गया होता है, थोड़ा सा गुनगुना सा होता है। तो इस तरह से पानी मैं बच्चों को सर्दियों में देती हूँ गर्म ही। और पानी बॉटल भी मैंने भर दी है और मैं अब टिफ़िन बैग जो है इसमें सभी टिफ़िन जो है अच्छे से रख दूँगी। और इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया, टिफ़िन रख दिया है, पानी बॉटल रख दी है, स्नैक के लिए मैंने इन्हें एक चॉकलेट भी दी है, एक चॉकोस दिया है, एक जो कपकेक होता है वो दिया है। इस तरह से मैंने बच्चों का टिफ़िन जो है वो पैक कर दिया है। और अब बच्चे जो है वो स्कूल के लिए निकलेंगे, तो मेरे तीनों बच्चे साथ में ही स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए हमें फोर व्हीलर जो है वही निकालनी पड़ती है। तो अभी बच्चे जो है वो फोर व्हीलर में जा रहे हैं स्कूल। तो हमारा टाटा बाय बाय हो चुका है। अब मैं घर में आई हूँ और सबसे पहले मैं घर में आने के बाद जो है अपनी भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ, उन्हें नहला देती हूँ। और शुक्रवार के दिन मेरी इस तरह से ये पूजा होती है। तो मेरा जो है वो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है। इस तरह से मेरी ये पूरा अर्ली मॉर्निंग का रूटीन होता है। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये रूटीन पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।